बिस्मिल्ला रही असल क्या हाल है आप सब सबके उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और जी मुझे बताइए किस किस को सामने टावर नजर आ रहा है इस कदर धुंध थी आज और ये इस बात का पेश खैमा है कि हमारे पास जो है ना अब आज कल में दोबारा से सर्दी वापस आने वाली है तो ये जो आपको साफ़ खुली सड़कें नज़र आ रही हैं और ख़ाली खाली, -खाली दरख्त नज़र आ रहे हैं ना तो अन करीब जो है ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे और मैं आपके साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत मंज़र होता है इतने दिनों तक बर्फ़ नहीं गिरती और जब अचानक से गिरती है तो बहुत अच्छा लगता है और जी हमारी सुबह की इब्तः आपको पता है कैसे होती है बस सुबह सुबह लंच बनाए बच्चों को नाश्ता कराया और चल पड़े बच्चों को ड्रॉप करने के लिए और इस तरह का जब बहुत प्यारा मौसम होता है ना तो दिल चाहता है कि बंदा लंबी सी वॉक करे और इसमें आपको स्नो बूट भी नहीं पहनने पड़ते बहुत मोटी जैकेट भी नहीं पहननी पड़ती अच्छा लगता है अच्छा आप लोगों के साथ कभी ऐसा होता है कि ऐसा मौसम हो गीला गीला सा खूबसूरत सा धुंध वाला तो उसमें जो है वो कोई अच्छी सी चीज़ आप खाएं, कुछ ऐसा पकाएं जिसमें ज़्यादा मेहनत ना लगे और कोई आपसे ये ना कहे कि भाई मैं तो ये नहीं खाता आपने ये क्यों पका लिया अम्मा तो मुझे इस बात पे ख्याल आया कि बहुत अर्सा पहले मैंने आप लोगों के साथ चैनल पे एक रेसिपी शेयर की थी स्टेक स्लाइडर की और वही रेसिपी जो है ना मैं दोबारा आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसमें आपको बहुत थोड़े गोश्त से जो है वो बड़े मज़ेदार से सैंडविचेस बना सकते हैं और ये बीफ के बहुत छोटे चंक्स किए हैं मैंने इसको मैंने कैंची से काटा हुआ है और समझे कीमे का बड़ा भाई बना दिया इसको और इसके अंदर जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है वो स्टेश सॉस डाला है सोया सॉस डाला है और उसके अलावा इसमें चिली सॉस जाए, जाएगा मस्टर्ड सॉस जाएगा आपके सामने स्क्रीन पे जो है ना वो पूरे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आ रही है तो इसलिए प्लीज़ आप और से इसको देख सकते हैं इधर से पढ़ सकते हैं और बाद में मुझे मैसेज करके कोई भी ना डांटे कि भाई आपने रेसिपी नहीं दी अच्छा आज शाम को हमने एक जगह डिनर पे भी जाना था तो आपको पता है फिर दिन में खाना लाइट ही रखें तो अच्छा रहता है ताकि आप अर्ली डिनर आराम से कर सकें इसको मैंने नमक और काली मिर्च के साथ सीज़न किया है इस बात का ख्याल रहे कि तमाम सॉसेस के अंदर जो है वो सॉल्ट होता है तो बहुत ज़्यादा नमक आपने नहीं ऐड करना है इसको आप ओवर जो है वो रख सकते हैं चाहे तो चार छः घंटे रख लीजिए थोड़ा सा बटर है उसको मैंने मेल्ट किया है और उसके अंदर जो है मैं इसको पका लूँगी और उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक ये गल नहीं जाता अब ये देखें बीफ के इतने छोटे चंक हैं ये बहुत जल्दी गल जाते हैं और अगर आपको लगे कि इनको गलने में टाइम लग रहा है तो आप इसे थोड़ी देर ढक के भी रख सकते हैं लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि ये कीमे का थोड़ा सा बड़ा सा भाई है तो कीमे को पकने में जितना टाइम लगता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इसको लगेगा बस इसको आप रख के मीडियम आँच पर ढक के रख के और अपना कोई काम भी कर सकते हैं इसमें जितना पानी है जितने जूसेज़ हैं उसी के अंदर बहुत अच्छा सा ये गल जाएगा अच्छा यहाँ पे जो है वो स्लाइडर्स में यूज़ करी हूं। वो जो छोटे वाले बन होते हैं ना वो मैं इस्तेमाल करूँगी और सब्ज़ी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं मैंने कैप्सिकम ली है और प्याज लिया है अगर आपके पास हरी कैप्सिकम है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके बच्चे स्पिनच खाते हैं तो आप स्पिनच भी यूज़ कर सकते हैं तो इस रेसिपी में आप बड़ी मज़ेदार किस्म की जो है ना वो सब्ज़ियाँ डाल के खिला सकते हैं तो बस ये तकरीबन जो है ना वो 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर जो है वो बहुत अच्छा गल गया था इसके अंदर मैंने सारी सब्जियां शामिल कर दी धनिया डाल दिया और चूल्हा बंद कर दिया तो ये अच्छा खासा गर्म है इसी गर्मी में जो है वो प्याज भी सॉफ्ट हो जाएगा और बाकी सब्जियां भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी बस इसको ढक के आप साइड पर रख दें यहाँ पर हम बना रहे हैं गार्लिक बटर बटर थोड़ा सा मेल्ट किया है उसके अंदर मैंने एक लहसन का जवा डाला है और थोड़ा सा औरगेनो डाल रही हूँ अगर आपके पास ऑरगेनो नहीं हो तो आप मिक्सड हर्ब डाल सकते हैं ज़ीरा डाल सकते हैं और क्या डाल सकते हैं और कुटी हुई लाल मिर्च डाल सकते हैं या सिर्फ नमक डाल सकते हैं इट्स योर चॉइस लेकिन अच्छा है कि आप थोड़ा सा जो है वो कोई सा भी हर्ब डाल दें उससे अच्छा लुक भी आता है फ़्लेवर भी अच्छा आता है तो स्लाइडर्स को मैंने बीच में से कट कर दिया है अवन मेरा प्री हीट हो रहा है मैं इसको सिर्फ ग्रिल करूँगी तो बस इसके ऊपर मैंने सारे बीफ के चंक्स डाले हैं उसके ऊपर अपनी मर्जी के सॉसेस डाल दीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस भी डा डाल रही हूँ तो चाहे तो आप इसे बारबेक्यू स्लाइडर भी कह सकते हैं कैचअप डाल रही हूँ ऊपर से आप थोड़ा सा इस पर चीज़ डालें अब दो ऑप्शन है आपके पास अभी आप इसे ओवन में रख दें चीज़ मेल्ट हो जाए तो फिर ऊपर से इसको कवर कर दीजिए लेकिन मैंने जो है वो डायरेक्ट स्लाइडर को कवर किया इसके ऊपर जो है वो वो जो बटरी गार्ले की सॉस बनाया था उसको अच्छी तरह से ब्रश से लगा दीजिए ठीक है ताकि ये ऊपर से बहुत अच्छे से मॉइस्ट भी रहे और अच्छा कलर भी आए यहाँ पे आप इसके ऊपर तिल डाल दीजिए कलौजी डाल दीजिए जो आपका दिल चाहे डालें बस ग्रिल के नीचे रखें पाँच मिनट फटाफट बन के निकल आएंगे ज़बरदस्त मज़ेदार से स्लाइडर और यकीन करें कि ये अगर आपके घर में सबको पसंद नहीं आए तो तो पैसे वापस <laughs> आपने जो है ना वो यकीन यही कहना है कि बहुत बहुत अच्छे बने थे तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा बच्चों को आप लंच में भी दे सकते हैं हाई टी का आइटम हो सकता है किसी दावत में रखे जा सकते हैं कोई स्टार्टर हो सकता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी और जी बस खाना खाते ही बस तैयारी की और निकल पड़े अभी कुछ महीने पहले मैंने आपको ये सड़क दिखाई थी तो ये येलो औरेंज खूबसूरत पत्तों से भरी हुई थी और आज आप देखिए कि इसका क्या हाल है दूर दूर तक जो है ना वो आपको कोई कलर नज़र नहीं आ रहा और ऐसा लगता है कि बस ये दरख्तों पे ना कभी कोई पत्ता था ही नहीं कभी इस सड़क पे कोई कलर था ही नहीं मगर आप यकीन कीजिए बस दो से तीन महीनों की बात है जैसे ही ये सर्दियाँ जाएंगी ये सारी जगह फिर से हरी भरी हो जाएगी उतनी ही खूबसूरत हो जाएगी और तब मैं आपको इस सड़क का जब व्यू दूँगी ना तो आप इसे पहचानेंगे भी नहीं तो ये सारी वो निशानियाँ होती हैं जो हमारे रब हमें दे रहे होते हैं और वो बता रहे होते हैं कि आप देखें कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ मुस्तकिल नहीं है और अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में ख़त्म हो गई है आपके हाथ से निकल गई है चली गई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि दोबारा वापस नहीं आ सकती और लट सपोज़ ये कोई ऐसा प्यारा है या कोई ऐसी चीज़ है जो गई तो वापस नहीं आ सकती तो ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला आपसे जब कोई आपकी बहुत अजीज़ चीज़ ले ले तो उसका कोई बहुत बेहतरीन नेमुल बदल ना दें तो जी खुश रहिए और हर चीज़ के बारे में यही सोचा करें कि ये परमानेंट नहीं है और जी हम पहुंच गए और वहाँ पे जो है वो हजरत ने अपना बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था बैठे हुए थे अंगीठी जला के बाहर क्योंकि अंदर तो खातानी और बच्चों का वो हल्ला गुल्ला होता है कि बैठना मुश्किल होता है तो मेरा ख्याल है हजरत को भी जो है ना अपना टाइम एंजॉय करने का दिल चाहता है तो उन्होंने भी अपना इंतज़ाम किया गर्म होने का वैसे मैं आपको बताऊँ अगर ये रेगुलर डे होता ना हमारी सर्दी का जो बर्फ़ से भरा हुआ होता है तो बाहर बैठना मुमकिन नहीं था तो जी हर कोई अपने हिसाब से जो है ना मौसम को एंजॉय कर रहा था और यहाँ पे लग गया खाना और खाने में शुरू में स्टार्टर में था सूप और सूप के साथ बड़े मज़ेदार से रोल अब आपको पता है ठंड हो और उसके साथ सूप हो बड़ा मज़ेदार कॉम्बिनेशन होता है दावतों में जो है ना सर्दियों की दावत में सूप ज़रूर बनाया करें मैं हमेशा सर्दियों की दावत में सूप बनाती हूँ सूप बनाना ना सिर्फ आसान होता है बल्कि ये कि फिलिंग भी होता है और सर्दियों के ना बिल्कुल मुनासबत से होता है जैसे हर चीज़ जो है ना वो मौसम के हिसाब से होती है ये सब्ज़ी इस मौसम की है ये फल उस मौसम का है तो उसी तरह सूप जो है ना वो सर्दियों की सौगात है तो ज़रूर बनाया कीजिए अपने घर में सूप और हमारे पास तो आ, सूप ऐसे भी बनता है कि आप सूप बनाएं साथ में गार्लिक ब्रेड बनाएं तो बच्चे तो बस इसी को खा के जो है इनका पेट भर जाता है और कोई खाना खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और जी सूप के पास सर्व हो गया ज़बरदस्त मज़ेदार सा खाना और यकीन करें बहुत ही अच्छा खाना था अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत दे इनके दस्तरखान को वसी करे वो इसी तरह से हमें बुलाते रहें और हम इसी तरह से मिल के बैठ के ख़ुशी खुशी जो है वो बातें करें खुश हों और अच्छी अच्छी गप्पे लगाएं और आपके साथ इतनी मज़े मज़े की वीडियो शेयर कर सकें और ये बहुत ज़बरदस्त सा मीठा था ये पाइनएपल डिलाइट था मगर इसके अंदर इन्होंने औरेंज जेली डाली थी तो यकीन करें और ऑरेंज का इतना ज़बरदस्त फ्लेवर था कि क्या बताऊँ और जी बस इसके बाद जो है हमारी वापसी का सफ़र स्टार्ट हो गया और आप देखिए कि अभी तक जो है वो क्रिसमस की डेकोरेशन अपनी जगह पर है लोग अभी तक बहुत खुश हैं अपने हॉलीडेज़ के बाद तो उम्मीद है कि आप लोग भी इसी तरह से खुश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह से खुश और आबाद रखे हर बुरी नज़र से बचाए अपने घरों में अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली के साथ जो है हम खुश रहें हंसते बसते रहें नेक और बाईमान ज़िंदगी गुजारने के अल्लाह ताला हमें तोफ़ी क़ा फरमाए और जी नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना होप बहुत मज़ा होने वाला है और आपने नेक्स्ट व्लॉग बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और हर व्लॉग में मैं ये कहना भूल जाती हूँ कि इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मस्ट है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें खुश रहिए दूसरों को खुश रखिए आसानियाँ दीजिए आपको अलमिया ख़ुद ब खुद आसानी देंगे फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाहफ